मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने बैग्स क्यों पैक किया है, क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई वन डे की स्टे करने एंड वी आर गोना स्टे एट ट्राइडेंट होटल। बहुत सारा खाना खाएंगे, होटल एक्सप्लोर करेंगे एंड बहुत सारी मस्ती करेंगे। सो बिना देर किए चलते हैं, लेट्स गो। हेलो गाइस, तो हम अभी ट्राइडेंट पहुंच चुके हैं और जो चेकिंग की प्रोसीजर है वो चल रहा है। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं चेकिंग के लिए, तो एक बार हमें रूम मिल जाए उसके बाद मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी मैं रूम एंट्री कर चुकी हूँ। मैंने बेड टच तक नहीं किया है क्योंकि मैं आपको रूम टूर कराना चाहती थी, तो इसलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर रूम है गाइस, जस्ट वॉच इट आउट। तो सबसे पहले ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको तीन कबर्ड दिखाई देंगे जो बहुत ही ह्यूज साइज़ के हैं। और सबसे पहला कबर्ड में ऊपर जो है आपके बैग्स रखने की जगह है और यहाँ पे आपके कपड़े रखने के लिए हैंगर्स हैं और एक यहाँ पे साइड में एक आयरन दिया गया है और यहाँ पे एक आयरन स्टैंड दिया गया है और साथ ही आपको यहाँ पे कीज रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है जगह और यहाँ पे शू बॉक्स दिए गए हैं। तो बस, तो सिमिलरली सेकंड कबर्ड में भी सेम ही है, ऊपर बैग्स और यहाँ पे आपके हैंगर्स एंड टॉवल्स वगैरह रखने की जगह है और नीचे आप आपके एक्सेसरीज रख सकते हो, शूज़ भी रख सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने मेन्यू प्रोवाइड किया है, यहाँ पे उनका मेन्यू है और यहाँ पे उन्होंने वाइन ग्लास, बॉटल ओपनर वगैरह और ग्लासेस वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया है। फिर यहाँ पे उन्होंने सेफ्टी लॉकर प्रोवाइड किया है, अगर आपके कोई कीमती चीज़ें हो तो आप इन्हें यहाँ पे लॉक करके रख सकते हो। और यहाँ पे कॉफ़ी मेकर है और यहाँ पे क्यूट सा उन्होंने कटलेरी सेट उन्होंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मिल्क पाउडर है और यहाँ पे कुछ पैकेट्स उन्होंने प्रोवाइड किया है और साथ ही नीचे एक मिनी बार आपको प्रोवाइड किया है और साइड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर है। और यहाँ पे ये है उनका वॉशरूम कम बाथरूम, ये टॉयलेट है और यहाँ पे बेसिन एरिया, यहाँ पे भी उन्होंने एक ह्यूज सा मिरर प्रोवाइड किया है और यहाँ पे कामा के क्लिंजिंग बार है और ये मॉइस्चराइज़र है, शावर कैप्स हैं। तो इस तरह से ये बाथरूम भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। वहाँ पे एक वेट मशीन भी है जो कि मेरे तो किसी काम के नहीं और यहाँ पे एक बाथटब प्रोवाइड किया गया है, बाकी फेस टॉवल वो सब भी है। और ये है मेन रूम, इस तरह यहाँ पे बैग्स प्रोवाइड करने की जगह है और टीवी है,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा गया है वेलकम मिस्टर मिश्रा। यहाँ पे भी उनके रैक्स वगैरह है, आप जो चाहो यहाँ पे रख सकते हो। और ये है द ह्यूज किंग साइज बेड, जो कि बहुत ही कम्फी है, फ्लफी एकदम। और उसके दो साइड में दो साइड लैम्प्स हैं, और साथ ही आपके बॉटल्स और आपके स्लीपर्स, और यहाँ पे एक साइड में एक ह्यूज लैम्प है इस तरह से। और साथ ही उसके साइड में यहाँ पे एक सिंगल सोफ़ा और टेबल है, यहाँ पे आप बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे ये जो है ये ऑफिस एरिया है, यहाँ पे आपके ऑफिस के लिए एक टेबल चेयर है और एक रीडिंग लैम्प है। और ये है द बेस्ट पार्ट, द ह्यूज विंडो, और यहाँ से आप देख सकते हो सिटी व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ से सी भी दिखाई दे रहा है, बट आज क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए वो क्लियरली आ नहीं रहा, बट यहाँ से आपको शिप्स में मैं देख सकती हूँ, एक्चुअली शिप्स हैं और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे सनराइज और सनसेट बहुत अच्छा आता है, देख सकते हैं आप। और दूसरे जगह एक्चुअली यहाँ पे सी फेसिंग रूम्स भी है, बट हम लोगों ने सिटी फेसिंग रूम लिया है। तो बस यही है आपका ओवरऑल रूम। अभी हम बाहर निकले हैं कुछ खाने, और खाने में मुंबई आए हो और पाव भाजी नहीं खाई, तो क्या ही खाया हमको इसके लिए खाने पाव भाजी। गाइस अभी मैं चर्च गेट आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं होटल ताज के सामने खड़ी हूँ, और पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया और बीच भी है। चलिए मिलके एंजॉय करते हैं। तो अभी हम बुफे एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ट्राइडेंट के बुफे के बारे में हमने बहुत सुना था, तो चलिए देखते हैं ये हाइप जो है ये एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं। लेट्स गो। यहाँ की जो बुफे प्लेटर थी उसमें बहुत सारे डिशेस थे, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कंटिनेंटल टू चाइनीज़ एंड मैक्सिकन, सब कुछ अवेलेबल थे। एंड उसके साथ अगर आप अलग से भी कुछ ऑर्डर देते थे तो वो उसे तुरंत बनाकर सर्व कर रहे थे। ये देख सकते हैं आप यहाँ कितना सारा वैरायटी है फॉर डिनर, एंड इट लुक्स यम्मी। खा के देखते हैं कैसा लग रहा है।
गाइस अभी हमने चेंज कर लिया है और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ रात में कैसा दिखता है ये रूम। तो हमने सारा लाइट्स ऑन कर लिया है एक्चुअली, और सी ऐसा। सो प्रिटी। कल अब हमारा प्लान है, यहाँ से सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है तो कल सुबह हम सनराइज़ देखेंगे। और ऊपर रूफ टॉप में पूल एरिया है और वहाँ से मुंबई बहुत अच्छा दिखता है हमने सुना, बट आज 7 बजे के बाद अलाउड नहीं था तो हम जा नहीं सके। तो कल वही प्लान है, सनराइज़ देखेंगे, मराइन ड्राइव घूमेंगे और हम रूफ टॉप देखेंगे और स्विमिंग पूल। तो बस उतना तक, बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग यू गाइज। तो अभी हम होटल के पूल एरिया आए हैं, जैसे कि हमने बताया था कल रात को बंद हो गया था, तो आज सुबह हम आए हैं पूल एरिया घूमने। एंड जस्ट लुक एट इट गाइज, इट्स सो प्रिटी। गाइस यहाँ से मरीन ड्राइव ऑसम दिख रहा है, देखिए वाओ।